हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो अपने एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2D एनिमेशन के बारे में। मैं आज की इस वीडियो में काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप एनिमेशन वीडियोज़ कैसे बना सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। मैं यहाँ पर 3D एनिमेशन या फिर और बाकी एनिमेशन की बात नहीं करने वाला हूँ। मेनली जो एनिमेशंस होते हैं या फिर जो 2D एनिमेशन वीडियोज़ होती हैं उनको लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का यूज़ करके बनाया जाता है, जैसे कि इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन हम आज की इस वीडियो में एंड्रॉयड फ़ोन की मदद से एनिमेशन वीडियोज़ बनाना सीखने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो सकता है। लेकिन जितने भी सोर्सेज अवेलेबल हैं 2D एनिमेशन वीडियोज़ बनाने के लिए, वो सब कुछ मैं कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। और साथ ही साथ आप लोगों को काफ़ी डिफरेंट तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि आप 2D एनिमेशन वीडियोज़ या फिर एनिमेटेड स्टोरीज़ कैसे बना सकते हो। आप चाहे वो आप लोगों को YouTube पर पब्लिश करना हो या फिर कहीं पे भी शेयर करना हो, आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी में और काफ़ी इजीली बना पाओगे ऐसे एनिमेशन वीडियोस को अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से। तो मैं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ और काफ़ी ईजिली आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप एनिमेशन बना सकते हो। तो यार, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए यार, बिना ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो ये है, व्हाट इज़ 2D एनिमेशन, यानी 2D एनिमेशन क्या है। 2D एनिमेशन का मतलब है किसी भी 2D इमेज को मूव करना, या फिर किसी भी इमेज या फिर कैरेक्टर को जो कि 2D इमेज है उसको मोशन में लाने को 2D एनिमेशन कहा जाता है। ये सब सिर्फ लैपटॉप में ही पॉसिबल है और लैपटॉप की मदद से ही इसको बनाया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इसको मोबाइल से कैसे बना सकते हो। इसके लिए आप लोगों को काफ़ी सारे ऐप्स को सेटअप करना होगा जिसकी मदद से आप प्रोफेशनल एनिमेशन बना पाओगे। सबसे पहले मैं इसी की बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कुछ इमेजेस चाहिए होंगे जो कि कैरेक्टर्स के होंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स के होंगे जो कि 2D में होंगे। तो उसे बनाने के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन चाहिए होगा जिसका नाम है डिज़ाइन, जो कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। इसकी मदद से आप खुद के कैरेक्टर्स ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो 2D में, या फिर किसी भी टाइप के एनिमेशन में आप खुद के यहाँ पे वेक्टर ग्राफिक्स बना सकते हो जिसको आप एनिमेशन के वक्त यूज़ कर पाओगे। या फिर आप पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का भी यूज़ कर सकते हो इन वेक्टर ग्राफिक्स को बनाने के लिए। और इस सब के बाद आप लोगों को एनिमेट करना होगा अपने कैरेक्टर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स को जो कि आप लोगों ने बनाया है। उसके लिए आप लोगों को एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा इन सब चीज़ों को एनिमेट करने के लिए। तो इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है काइन मास्टर, जिसको यूज़ करके आप अपने बनाए हुए कैरेक्टर्स को एनिमेट कर सकते हो और एक प्रॉपर वीडियो बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई दूसरा ऑप्शन चाहिए या फिर एक बेटर एनिमेशन बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट्स अल्टरनेटिव एंड्रॉयड ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है लाइट मोशन, जो कि एंड्रॉयड पे मौजूद है। और ये ठीक आफ्टर इफेक्ट्स जैसे किसी भी चीज़ को एनिमेट कर सकता है। और जो भी वेक्टर ग्राफिक्स आप लोगों ने बनाए होंगे, जो भी कैरेक्टर्स बनाए होंगे, उसको ये आसानी से एनिमेट कर सकता है। की फ्रेम एनिमेशन या फिर रिग एनिमेशन जो भी आप चाहते हो उसकी मदद से कर सकते हो। और जो ग्राफिक्स इमेजेस आप लोगों को चाहिए होते हैं वो आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कैरेक्टर या फिर एनवायरनमेंट या फिर ऑब्जेक्ट की इमेजेस जो आप लोगों को चाहिए होती हैं एनिमेशन करने के लिए, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप काफ़ी सारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल विक्टीजी एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप एनिमेटेड बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स या फिर कैरेक्टर्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और उसी की मदद से आप लोगों को एनिमेशन वीडियोज़ बनानी होंगे अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन यहाँ पे जो इमेज आप लोगों को यूज़ करना है वो बिल्कुल HD इमेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है आपके वीडियो के लिए और आपके ऑडियंस के लिए भी। और अच्छे इमेजेस को लाने के बाद आप लोगों को एक अच्छी कार्टून वॉइस की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई भी नॉर्मल वॉइस यूज़ नहीं करनी है, बल्कि यहाँ पर आप लोगों को कार्टून वॉइस यूज़ करनी है। आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों को चूज़ करना होगा जो कि मिमिक्री करते हैं या फिर कार्टून वॉइस निकाल सकते हैं अपने माउथ की मदद से। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि नॉर्मल साउंड्स को कार्टून साउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को उनका यूज़ करना होगा एक गुड क्वालिटी कार्टून साउंड के लिए, और आप लोगों को एक गुड अच्छी क्वालिटी की कार्टून साउंड चाहिए भी होगी। और इसी टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमेशन, यानी एनिमेशन कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूँ कि मैं उन टाइप्स के
एनिमेशन की बात करने वाला हूँ जो एंड्रॉयड के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले नंबर पे जो एनिमेशन है वो है रिग एनिमेशन। रिग मतलब होता है टोटल बॉडी कंट्रोल, यानी कोई भी जो कैरेक्टर होगा उसके आप हर एक बॉडी पार्ट को मूव करके एक अच्छा खासा एनिमेशन तैयार कर सकते हो, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसे एनिमेशंस बनाने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं जिनका यूज़ करके आप ऐसे एनिमेशंस बना सकते हो, रिग एनिमेशन। तो इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं वो है ट्वीन क्राफ्ट, ड्राइंग कार्टून टू, टूनटेस्टिक बाय गूगल और फ्लेमिंगो एनिमेटर। तो इन सारे एप्लीकेशंस की मदद से आप खुद के रिग एनिमेशन बना सकते हो, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और ऐसे ही एनिमेटेड वीडियोस आप लोगों को YouTube पर भी देखने को मिलते हैं जो कि इसी टाइप के एनिमेशन से, यानी रिग एनिमेशन कैटेगरी के हैं। और जो दूसरा टाइप का एनिमेशन है वो है की फ्रेम एनिमेशन, यानी फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ये यूजुअली लैपटॉप्स या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लेकिन इसको आप एंड्रॉयड में भी बना सकते हो। इसको बनाने के लिए आप लोगों को वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा, जिनके अंदर आप लोग कैरेक्टर्स को फ्रेम बाय फ्रेम मूव करके एनिमेशन बना सकते हो। इसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है काइन मास्टर, जिसकी मदद से आप फ्रेम बाय फ्रेम एडिट कर आप एनिमेशन बना सकते हो। और इसके बारे में मैंने वीडियो में टोटली एक्सप्लेन किया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखना। थर्ड नंबर का जो एनिमेशन है वो है ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एनिमेशन। ये एनिमेशन काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की मदद से ड्रैग और मूव करके बनाया जाता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे टूनटेस्टिक और ट्वीन क्राफ्ट, जिनको आप सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके या फिर मूव करते हुए भी एनिमेशन बना सकते हो। ये सारे फंक्शंस पहले से ही सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, बस आप लोगों को अगर छोटा मोटा वीडियो बनाना है या फिर एक दो मिनट की या फिर 10 मिनट की स्टोरी बनानी है, तो आप इन सॉफ्टवेयर्स की मदद से या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप एनिमेशन करके बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और इसकी मदद से भी आप लॉन्ग टाइम एनिमेशन वीडियोज़ बना सकते हो। चौथे नंबर का जो एनिमेशन है उसका नाम है ड्राइंग एनिमेशन, और ये एक ट्रेडिशनल एनिमेशन है जो कि पॉसिबल है काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, और ये एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है जैसे कि फिलिपा क्लिप, एनिमेशन डेस्क, रफ एनिमेटर एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप काफ़ी सारे ड्राइंग को बना करके हर एक फ्रेम पे ड्राइंग ड्रॉ करके उनको एक एनिमेशन वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है, जिसमें टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगता है, लेकिन जो एनिमेशन होती है वो आपके खुद की होती है, जिसके अंदर मूवमेंट, इमोशन और भी जितने मूव्स वगैरह होते हैं वो सब आप खुद से बना सकते हो। और एक प्रोफेशनल एनिमेशन होता है, जो एनिमेशन आप सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बनाते हो लैपटॉप्स में, वो आप ड्राइंग एनिमेशन की मदद से बना सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है, इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होगा, जिसको आप बना सकते हो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस की मदद से। और लास्ट में जो एनिमेशन है वो है स्टॉप मोशन एनिमेशन, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आने वाला है। स्टॉप मोशन एनिमेशन की बात करें तो ये एक ऐसा एनिमेशन है जिसमें कार्टून जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके टॉय को या फिर उनके फिजिकल ऑब्जेक्ट को कैमरा के सामने रखा जाता है और उसको हर एक सेकेंड में मूव किया जाता है और उसको रिकॉर्ड या फिर कैप्चर किया जाता है कैमरा में, और उसी के हर एक सेकेंड के सीक्वेंस को एक साथ मिलाया जाता है और उससे ही एक एनिमेशन बनती है जो कि काफ़ी तगड़ी होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो तो सबसे पावरफुल एनिमेशन जो है वो है की फ्रेम एनिमेशन, जो कि उतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा इजी है, जिसकी मदद से आप 2D एनिमेशन कर सकते हो और काफ़ी इजीली एनिमेटेड वीडियोस बना सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपनी एक सीरीज़ भी तैयार कर सकते हो। तो आप भी 2D एनिमेशन वीडियोस बनाने का ट्राई करते रहिए और आप भी ऐसे एपिसोड या फिर मोरल स्टोरीज बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर सकते हो, कि एनिमेटेड वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ होता है। इनफैक्ट किड्स के साथ साथ जो भी बड़े होते हैं या फिर बुज़ुर्ग होते हैं, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है एनिमेटेड वीडियोज़, और उसके अंदर की जो स्टोरी होती है वो और भी ज़्यादा अमेजिंग होती है। तो आप एंड्रॉयड की मदद से भी बना सकते हो। और अगर आपको 3D एनिमेशन ऑन एंड्रॉयड के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद लाने वाला हूँ, तो यार वीडियो का वेट करते रहो, वीडियो आने वाला है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की इस वीडियो से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कॉमेंट में बता सकते हो। साथ ही साथ अगर
अगर आप चाहो तो मैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।